24,000 नमाज फकर दी, तू पंज नमाजा की दियाँ पढ़दा, वो बुल्ले शाह दा इको मणका मौला मौला करदा। पंजाबी टच टीवी देख रहे तमाम दर्शकों अवतार आनंदपुरी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों असी अपने प्रोग्राम खास मुलाकात दे विच तुहानू किसी न किसी खास मेहमान दे नाल मिलाउणे आ। अज जिस मेहमान नू तुहाडे रूबरू करन जा रहे हां, वो पंजाबी लोक गायकी दे विच जिथे एक वखरा स्थान रख दिंदे ने, उत्थे सूफियाना दे विच भी उन्हां दा बहुत वड्डा फोकस आ। सो वो हन बलजीत सिंह जी संदली। सो साढ़े नाल ने सो करवाया मुलाकात बलजीत सिंह जी संदली साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, सारी टीम का, पंजाबी टच टीवी देखने वाले स्रोतियां का भी, ताजी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक नमाणे जिहे कलाकार नूं अज स्रोतियां दे रूबरू होण दा मौका बख्शिया। संदली साहब, पहले तो मैं जाणांगा कि संदली, क्योंकि दूरदर्शन का एक प्रोग्राम बहुत चर्चित रहा संदली पैणा, बलजीत सिंह जी साढ़े चलाउंदे हुंदे सीगे, ते उह जिहड़ा संदली है, तुसीं संदली नाम अपने नाम के पिछे किदां लाया, पहले संदली बारे दस्सिओ। हाँ जी, दोस्त मित्रां ने मतलब जो कोई खिताब सानूं दोस्त मित्र ही दिंदे आ। मेरा नाम बलजीत सीगा, मैं गीतां च बलजीत पाउंदा जी, नाल संदली जोड़ता उन्होंने। संदली एक ना संदल तो बनया, संदल सी एक, तो उन्हें संदली दोस्त मित्रां ने दिता मैनूं इह नाम, तो मैं खालसा ला लिया है। चलो सूफियाना दे विच तुसीं सब तो शुरुआत दे विच की सुनाओगे सानूं? आम ही आपां सुणदे रहे हां कि सदा दिवाली साध दी चत्तो पैर बसंत, कहिंदे जिहड़ी दिवाली आ, हुण दिवाली आ रही है अपने बहुत जल्दी नेड़े, ते दिवाली दा इक मैं लेटेस्ट सोंग लिखिया सी अपना, रहिंदी रब दे प्यारां दी सदा दिवाली, उहदियां चार लाइनां तुहाडे रूबरू कर रहा हां। जिहड़े रब नूं मन्नण वाले आ उहनां दी सदा ही दिवाली रहिंदी आ, साडी दिवाली आउंदी जांदी रहिंदी है, चार दिन दी दिवाली फिर घुप नेरा, जिहड़ी आ रब नूं मन्नण वाले प्यारे आ, रब दे दीवाने आ, उहनां दी दिवाली सदा ही रहिंदी है, उहदियां चार लाइनां तुहाडे रूबरू कर दिंदे। सुनाओ जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਤੂੰ ਤੋਰਨ ਰਾਲੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ संदली। क्योंकि दूरदर्शन का जिहड़ा प्रोग्राम पहला भी जिक्र किया, बलजीत सिंह, वो बलजीत सिंह बल्ली जी वो चलाउंदे सी संदली पैड़ा सुन्ने सुन्ने राहां विच, वो जिहड़ा नाम तखल्लस इन्हां नूं मिलिया संदली। संदली साहब, एक गल मैं तुहाडे तों जाणनी चाहांगा, अज दा जिहड़ा युग आ गायकी दा, हाँ जी, ते पुराने समें दे विच गायकी, पर सूफियाना दे विच तुसीं फोकस कीता, ते कदे दूजे गीतां दा नहीं, जिवें अज दे युग दे विच अज दे नौजवान नवीं पीढ़ी दे कलाकार गाउंदे आ, कदे उहदे ते फोकस कीता होवे? आनंदपुरी साहब, मेरी शुरुआत भी उत्थों ही होई सीगी। अच्छा। हाँ जी, मैं उदां दे मैं सभ्याचार गीत लिखे आ, मेरी कैसेट भी आई सी जी गुरमीत दलजीत दे म्यूजिक विच, पर उह मैनूं सकून नहीं दित्ता, उहदे विच गीत मैं काफ़ी सभ्याचार गाए सीगे, कुछ गीत उहनां दे मतलब चॉइस दे सीगे जिवें कमर्शियल च आउंदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਚਾਰ ਲੈਣਾ,
ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੈਣਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਗਾਈਦਾ, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਫੀ ਸੰਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਵਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਕਾਫੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਇਕ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਲਜੀਤ ਸੰਦਲੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤੋਂ ਸੂਫੀਆਂ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ, ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਸੋਝੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰਿੱਕੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਸੀ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਸਪਸ਼ਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬਰੂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਕੀ ਤੇਰੇ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਮਸਤੀ ਦੀਵਾਨੇ, ਤੇਰੇ ਆਮ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਮ
ਸਮਾਏ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ जे आप गल करिए जिदा नुसरत फतेह अली खान की उन्हें तो क्या ही बात आ कोई रीस करनी भी मतलब बहुत तो अपनी पंजाबी गायकी के जो आप गीत संगीत की गल करते हैं यमला जट जी तो लैके हाँ जी चांदी राम चांदी जोरा तो लैके अज तक के समय के तरा चढ़ा लग गया जेडे पहले गीत से आनंदपुरी साहब वो अज भी सुनिए ना तो सानू तरोताजा कर देंगे है। हाँ जी उन्होंने ना जोड़ा हकीकत सी अज की गायकी इदा की है भी जोड़ा कलाकार ज़्यादातर गीतों उन्हें अपने आप प्रमोट करता देखो हर चीज़ है जी वो कमर्शियल लैके चलता है अपने आप को किवें प्रमोट लोगों किया जाए जी साड़ी गायकी है ये देखो परमात्मा ने हर एक रोजी रोटी दी हुई है जी सा रूह की खुराक है जो सूफिया कलाम है जो सूफी मत के लोग सुनते हैं जोड़े दूजे भी सुन गए उन्होंने भी रूह की खुराक मिलेगी असी जिहड़े सूफियां महफल करते हैं वह लोगों की रूह की खुराक समझ के करते लोगों को रूह की खुराक मिलती है वो संतरी साहब जिदा करोना संकट आया ये कई रोटी रूह की खुराक के पेट की जी खुराक वह भी मर गई कलाकार जोड़े ने अपने वो किमें रहे इस करोना संकट के जी इस संकट के कोविड 19 के कलाकार की बहुत दुर्दशा हुई है असी आप जे मेरे नाल सहयोग से उन्होंने असी राशन पानी होर भी मदद की है पर कलाकार ने बहुत सरकार अपील पक्या ने सुने नहीं उनका हाल बहुत मंदा रहा कलाकार का ठीक है। हाँ जी पर हुण आपां जांदे जांदे गल करन चाहेंगे कि तुहाडा अपने कोई लोक रंग फोक रंग कोई वो दर्शकों को सुनाओगे। हाँ जी मेरा एक लोक रंग भी है लोक गीत भी है सूफी है लोक गीत दे विच सूफी आ टप्पे आ जिहड़े मैं लिखे हुए मेरे काफ़ी पापूलर होए आ सूफी महफलां विच वो तुहाडे रूबरू कर रहे हैं घरों ही सपोर्ट मिली है जिहड़ा जो भी मैं यह गायकी के खेत्र च आ चुका मैं विआह तो बाद शादी तो बाद आ चुका
जी मेरी वाइफ है परमजीत कौर, उन्हें मेरा बहुत साथ दिता हर पक्ष तो। असी दूर दूर प्रवाते जाने हैं, कपड़े तैयार करके देने हर पक्ष तो, मतलब उन्होंने मैं सपोर्ट की है, उन्हें फख्र महसूस किया इस गल से भी तुसी गा रहे हैं, मैं ये गल का फख्र है। कि तुहाडा सुनेहा की लास्ट दे विच अपने स्रोते? हाँ, मैं अपने रब वर्गे स्रोतों को यही सुनेहा देना चाहना भी ऐसा सुनो जिहड़ा तुहानू भी सुकून देवे, जिहड़ा आले दुआले नू सुकून देवे। जिहड़े अज की गायकी है ये भड़काऊ गायकी है, देखो ये उम्र का लहजा है। जे तुसी सूफी मत नू सुनोगे, सूफी मत नू पढ़ोगे तो तुहानू रूह दा रूहदारी मिलेगी, रूह का सुकून मिलेगा। सारे स्रोतों हाथ जोड़ के यही बेनती है कि सूफी गायकी लिए ध्यान दो। सूफी गायकों के सी जे लोगों के रूह तक पहुँचते सी। सत श्री अकाल।